Hello students, I am here to discuss about Kirchhoff's rule. It is very important because with the help of Kirchhoff's rule we can solve so many complicated examples which may be important in CBSE classes. Okay, so before I will discuss Kirchhoff's rule. Okay, so first of all, Kirchhoff's gave his rule in 1942. देखिए किरचॉफ ने जो अपने रूल दिए थे वो रूल एक्चुअली में यूज़ किए जाते हैं कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स को सोल्व करने के लिए. कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स को हम सोल्व विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना. तो ये क्या होता है, किरचॉफ ने अपने जो रूल दिए हैं वो ओम्स लॉ की डिसएडवांटेज, जहाँ पे हम ओम्स लॉ यूज़ नहीं कर पा रहे हैं वहाँ पे यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, सर्किट के करंट को, पोटेंशियल को फाइंड या रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं, जो कि हम ओम्स लॉ में भी करते हैं. बट ओम्स लॉ यूज़ होता है बहुत ही सिंपल सर्किट्स के लिए, एंड किरचॉफ्स रूल यूज़ किया जाता है जहाँ पे ओम्स लॉ को हम सिंप्लीफाई नहीं कर पाते हैं या ओम्स लॉ की हेल्प से हम सर्किट को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, ठीक है. तो किरचॉफ ने 1942 में अपने दो रूल्स दिए थे, दोनों ही रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. तो फर्स्ट रूल किरचॉफ के जंक्शन रूल के नाम से भी फेमस है और करंट रूल के नाम से भी फेमस होता है, ठीक है ना. तो किरचॉफ का फर्स्ट रूल आपको जंक्शन रूल के नाम से भी आ सकता है और करंट रूल के नाम से भी पूछा जा सकता है. तो रूल क्या होता है, बाय डेफिनेशन द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट अ जंक्शन इन अ क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ जीरो, मीन्स समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू जीरो. मतलब टोटल करंट क्या होता है, जीरो के इक्वल होता है. कहाँ पे, एट जंक्शन. जंक्शन क्या होता है, जहाँ पे एक से ज़्यादा वायर्स आके मीट करती हैं. जैसे अगर मैं डायग्राम में देखता हूँ तो ये जो पॉइंट है ओ, यहाँ पे क्या हो रहा है, फाइव वायर्स आके मीट कर रही हैं, मीन्स तो ओ यहाँ पे क्या कहलाएगा, जंक्शन कहलाएगा, ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ फर्स्ट रूल मैं कह सकता हूँ कि जो सारे करंट्स का सम है वो क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल होगा. ये रूल हमें एक्चुअली में बताता क्या है, ये कहता है कि किसी भी जंक्शन पे हम ना तो करंट को क्रिएट करते हैं और ना ही करंट डिस्ट्रॉय होता है. मींस कि किसी भी जंक्शन पे ना तो करंट को क्रिएट किया जा सकता है, ना ही किसी जंक्शन पे किसी भी करंट को एंड या डिस्ट्रॉय किया जा सकता है. मीन्स जो करंट पीछे से आ रहा होगा वही फर्दर आगे डिवाइड हो जाएगा. अगर मैं इस डायग्राम में देखता हूँ कि आई फाइव एंड आई थ्री करंट क्या हो रहे हैं, टूवर्ड्स द जंक्शन मूव कर रहे हैं, एंड आई टू, आई थ्री, आई फोर क्या हो रहे हैं, जंक्शन से अवे फ्रॉम मूव कर रहे हैं. मीन्स अगर मैं इस सर्किट में देखता हूँ तो आई थ्री और आई फोर ही दोनों करंट इन तीनों वायर्स में डिस्ट्रीब्यूट होकर आगे मूव कर रहे होते हैं, ठीक है. तो मींस मैं कह सकता हूँ एट जंक्शन ओ समीशन ऑफ आई इज इक्वल टू जीरो, मीन्स टोटल करंट इस जंक्शन पे क्या होगा, जीरो होगा. मींस टोटल इनवर्ड करंट इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल आउटवर्ड करंट के. मीन्स जितना करंट टूवर्ड्स जंक्शन आ रहा है वो ही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है अवे फ्रॉम द करंट में, ठीक है. अगर इसे सोल्व करने के लिए हम साइन कन्वेंशन रूल लेते हैं, तो साइन कन्वेंशन रूल क्या कहता है कि टेकिंग पॉजिटिव फॉर करंट विच इज़ मूविंग टूवर्ड्स जंक्शन. जो करंट जंक्शन की ओर आ रहा है उसे हम क्या यूज़ करते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, एंड जो करंट जंक्शन से अवे फ्रॉम मूव कर रहा है उसे हम क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं. अगर मैं इस साइन कन्वेंशन को यूज़ करता हूँ तो इस डायग्राम में हम क्या कर सकते हैं, आई थ्री एंड आई फाइव को पॉजिटिव लेंगे, एंड आई वन, आई टू, आई फोर को क्या लेंगे, निगेटिव. और विद द सॉल्विंग वी कैन से दैट I3 plus I4 is equal to हो जाएगा I1 plus I2 plus I3. और अगर मैं चेक करता हूँ I3 और I4 क्या है, टोटल इनवर्ड करंट है. I1, I2, I3 क्या है, टोटल आउटवर्ड करंट है. मीन्स अगर मैं इस रूल को चेक करता हूँ तो ये रूल हमें क्या दिखा रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है. तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ हम क्या कह सकते हैं, पूछा जाता है कि किरचॉफ का फर्स्ट लॉ किस चीज़ का कंजर्वेशन दिखा रहा, तो क्या दिखाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. और आगे अगर हम किरचॉफ के सेकंड रूल की बात करें, तो सेकंड रूल जो होता है किरचॉफ का लूप थ्योरम के नाम से भी आता है और किरचॉफ्स वोल्टेज रूल के नाम से भी आता है. ये रूल क्या कहता है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल ड्रॉप अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ और एनी क्लोज्ड लूप जिसमें इन्वॉल्व हो रहा होगा रजिस्टर एंड सेल्स इन द लूप इज़ जीरो. मीन्स टोटल पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है.
किर्चॉफ्स का सेकंड रूल बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यही वो रूल है जो हम मोस्टली अपनी टिपिकल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर मैं इसका सेकंड रूप देख लेता हूँ, फर्स्ट में तो हमने पता चला कि टोटल लूप के अंदर जो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो क्या होगा, जीरो, मीन्स समीशन ऑफ डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो। एंड वी ऑल्सो कैन से दैट द एल्जेब्रिक सम ऑफ EMF एंड एल्जेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इन द वेरियस आर्म ऑफ द लूप इज जीरो। मीन्स टोटल EMF सर्किट के अंदर अगर एक सेल है, दो है, तीन है, उस क्लोज लूप में जितने भी सेल लगे हुए हैं उन सब का सम ऑफ EMF प्लस प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रजिस्टर्स क्या हो जाएगा, दोनों का सम क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। ये भी क्या होता है, ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू जीरो का ही एक सेकंड फॉर्म होती है। अब ये फॉर्म हमें क्या दिखाती है, एक्चुअली में ये डिफाइन करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। तो फर्स्ट लॉ हमारा किर्चॉफ का रिप्रेजेंट करता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एंड द सेकेंड रूल इज रिप्रेजेंटिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, तो इसे सोल्व करने के लिए जब हम न्यूमेरिकल में यूज़ करते हैं तो मुझे इसमें भी साइन कन्वेंशन रूल की नीड होती है। तो इसमें जो साइन कन्वेंशन रूल होता है, देखिए अगर आप काफ़ी डिफरेंट बुक्स में देखेंगे तो वो सब में अलग अलग इसके रूल्स को डिफाइन किया गया है, लेकिन हम एक जस्टिफाई और एक सिंपल मेथड लेते हैं अपने न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए। हम क्या अज्यूम करते हैं कि जो EMF होगा वो हम EMF टेकन निगेटिव इफ़ एंटर फ्रॉम निगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल, कि अगर हम लूप में मूव करते वक्त निगेटिव टर्मिनल से एंटर करते हैं सेल के तो हम उस EMF को यूज़ करेंगे निगेटिव, और अगर हम पॉजिटिव से मूव करते हैं तो उस EMF को हम टेकन एज पॉजिटिव। एंड सेकंड साइन कन्वेंशन रूल इज़ दैट इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रजिस्टर टेकन पॉजिटिव इफ़ वी मूविंग एज डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर हम करंट के डायरेक्शन के अलोंग मूव कर रहे हैं तो जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा रजिस्टेंस पे, जो कि इक्वल होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग करंट इनटू रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट, उसे हम क्या लेंगे पॉजिटिव, अगर हम मूव कर रहे होंगे डायरेक्शन ऑफ करंट की तरफ करंट। एंड अगर वी मूव कर रहे होंगे हम अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट देन वी यूज निगेटिव। ओके, किर्चॉफ के सेकंड रूल को हम एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं ताकि बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो हमारे पास एक एग्जांपल लेते हैं, एक सर्किट है, इस सर्किट में रजिस्टर्स लगे हुए हैं, सेल्स लगे हुए हैं। देखिए अगर हम इसे ओम्स लॉ से हेल्प करने की कोशिश करें तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पड़ेगा, बट विद द हेल्प ऑफ किर्चॉफ सेकंड रूल इट्स वेरी इजी टू सोल्व देम। देखिए तो फाइंड करना है मुझे इस सर्किट के अंदर कि इन दोनों सेल से कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो हम सबसे पहले हम अज्यूम कर लेते हैं कि 2 वोल्ट सेल से I1 करंट फ्लो हो रहा है एंड 1 वोल्ट सेल से I2 करंट फ्लो हो रहा है। देखिए I1 I2 करंट जब इस जंक्शन पे आएंगे तो फर्स्ट रूल क्या कहता है कि यहाँ पे टोटल करंट क्या होना चाहिए, जीरो। मीन्स जो इधर करंट फ्लो होगा वो क्या करंट फ्लो होगा, I1 प्लस I2, ठीक है ना। तो I1 प्लस I2 करंट क्या हो जाएगा, 10 ओम से मूव करेगा, क्योंकि पीछे से जो करंट आ रहा होगा, जो जंक्शन की ओर करंट आएगा और जो जंक्शन से अवे फ्रॉम मूव करेगा, वे दोनों क्या होंगे इक्वल। तो I1 I2 आ रहा है तो दोनों का सम ही क्या होगा, 10 ओम में अंदर की ओर मूव करेगा। सिमिलरली जब ये इस जंक्शन पे आएंगे तो फिर से किर्चॉफ फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग जितना करंट पीछे से इस जंक्शन की ओर आ रहा होगा वही आगे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मीन्स आगे फिर से स्प्लिट हो जाएंगे 2 पार्ट्स में, I2 नीचे आ जाएगा एंड I1 ऊपर की ओर मूव करेगा। तो हम देख सकते हैं कि सर्किट में I1 मूव कर रहा है और इस सर्किट में I2 मूव कर रहा है। अब हम विद द हेल्प ऑफ किर्चॉफ सेकंड रूल फाइंड करते हैं I1 I2 की वैल्यू को। देखिए जितने वेरिएबल होते हैं उतनी ही मुझे इक्वेशन चाहिए होती हैं सोल्व करने के लिए। यहाँ पे मेरे पास वेरिएबल कितने हैं, I1 एंड I2, मतलब 2 वेरिएबल्स हैं। तो मुझे इस सर्किट से 2 इक्वेशंस को फाइंड करना होगा जिसमें I1 एंड I2 इन्वॉल्व हो, और ताकि मैं उसे आगे फर्दर सोल्व कर सकता हूँ। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं किसी भी एक क्लोज लूप के अंदर, ठीक है। वो हमारे ऊपर डिपेंड होता है कि हमें कैसे मूव करना है। देखिए तो सपोज मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज मूव करता हूँ सर्किट के अंदर। लूप कौन सा ले लेते हैं, नाम दे देते हैं A B C D E F। तो मेरे पास जो रूल लूप आता है फर्स्ट लूप आएगा मेरे पास A B C D A, मीन्स A B C D A, ये फर्स्ट लूप ले लेते हैं।
इस फर्स्ट लूप में मैं देखता हूँ, देखो किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं मूव करना, मैं मूव करता हूँ ए डी सी बी ए की ओर, क्योंकि मैं एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूँ, तो ए बी की ओर मूव करूँगा। तो यहाँ प्रो सेकेंड रूल क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड रूल टोटल ड्रॉप क्या आ जाएगा, ज़ीरो क्या आ जाएगा, टोटल ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू ज़ीरो। तो एक ड्रॉप तो इस 5 ओम में आएगा, तो कितना ड्रॉप आएगा, करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट, क्योंकि हम मूव कर रहे हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, दैट मीन्स इट से मुझे क्या रखना होगा, प्रोडक्ट को प्लस। फिर हम मूव करते हैं इस वाले रेजिस्टेंस में, तो इस रेजिस्टेंस में भी क्योंकि हम डायरेक्शन करंट के अलोंग ही जा रहे हैं, तो I1 प्लस I2 जो करंट फ्लो हो रहा है, और कितने रेजिस्टेंस में फ्लो हो रहा है, 10 ओम में, ठीक है। अब हम इसमें आते हैं, तो इसमें कितना आ जाएगा प्लस, फिर से करंट की डायरेक्शन में है, और कितना करंट फ्लो हो रहा है, I1, इस आर्म में कितना है, I1 करंट है, देन 2I1। यहाँ पे आने के बाद अब हम एंटर कर रहे हैं निगेटिव टर्मिनल से सेल के, तो मुझे पुट करना होगा इसे निगेटिव 2 और इज इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू किर्चॉफ सेकेंड रूल। तो जब मैं इस इक्वेशन को सोल्व करता हूँ तो मुझे फाइंड मुझे मिलता है, सो ऑन सॉल्विंग वी गेट 10I1 प्लस 19I2 इज इक्वल टू 1, इक्वेशन 1। सॉरी, वी गेट 9I1 प्लस 5I2 इज इक्वल टू 1, इक्वेशन 1। नाउ वी टेकिंग सेकेंड लूप, सेकेंड लूप, तो सेकेंड लूप मेरे पास क्या होगा, डी ई एफ सी डी टेकिंग एज अ सेकेंड लूप। अब इस सेकेंड लूप में फिर से हम क्या लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू किर्चॉफ सेकेंड रूल डेल्टा वी इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ डेल्टा वी। अब इसमें हम मूव करते हैं कैसे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस डायरेक्शन मूव करना है, क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं, एंटी क्लॉक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लॉकवाइज मूव कर लेते हैं, क्लॉकवाइज मूव करने के लिए फिर से हम क्या करते हैं, ई से स्टार्ट करते हैं, तो ई से हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज मूव करके ई पे ही आएंगे, तो ई से स्टार्ट करेंगे, तो फर्स्ट ड्रॉप कहाँ मिलेगा, 5 ओम के रजिस्टर में, और वो क्या हो जाएगा, I2 इनटू 5, क्योंकि करंट कितना फ्लो हो रहा है, I2, और रेजिस्टेंस कितना है 5। देन अब फर्दर मूव करते हैं ऐसे, तो इसमें हमारे पास क्योंकि करंट के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो पॉजिटिव, और ड्रॉप कितना आएगा, करंट कितना फ्लो हो रहा है, I1 प्लस I2 एंड रेजिस्टेंस है 10। देन सी से हम कहाँ मूव कर रहे हैं, एफ की ओर मूव कर रहे हैं, तो प्लस ट्वाइस ऑफ I2 एंड देन F से हम एंटर कर रहे हैं। देखिए अब मैं एंटर करूंगा सेल के निगेटिव टर्मिनल से, तो जो EMF होगा 1 वोल्ट, वो क्या लिया जाएगा, 1 निगेटिव में लिया जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। एंड ऑन सॉल्विंग दिस वी गेट 10I1 प्लस 19I2 इज इक्वल टू 1, इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 9I1 प्लस 5I2 इज इक्वल टू 1, इक्वेशन 1 है, एंड सेकेंड है 10I1 प्लस 19I2 इज इक्वल टू 1। तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, एनी मेथड यू कैन यूज एंड सोल्व दिस, देन वी गेट I1 इज इक्वल टू 14 अपॉन 121 एम्पियर, एंड I2 वी गेट -1 अपॉन 121 एम्पियर। सो दिस इज द आंसर। दिस एग्जाम्पल एक्चुअली मैंने इसलिए लिया था ताकि मैं किर्चॉफ्स के सेकेंड रूल को अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो इस तरह से हम अप्लाई करके क्या कर सकते हैं, किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू।